हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष धवन और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपना टाइटल डाल सकते हैं, मेटा नेम डाल सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, मेटा कीवर्ड डाल सकते हैं, जियो लोकेशन डाल सकते हैं, ब्लॉगर में हम कैसे उसको पूरा मैनेज करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है एंड उसके बाद आपको जाना कहाँ है, थीम में। थीम में जाने के बाद एडिट HTML, एडिट HTML में देख रहे हैं ये हेड, इसके नीचे आपको पेस्ट करने पड़ेंगे वो मेटा टाइटल, मेटा नहीं। इसके लिए मैंने ना ये पहले से ये मैंने लिख के रखे हैं, ये देखिए टाइटल 65 करेक्टर्स का होना चाहिए। ये आपके मेन होम पेज का टाइटल होगा जो आप इसके बीच में डालेंगे, वो 165 करेक्टर्स का होना चाहिए। सेम जैसे जैसे ये 65 करेक्टर्स के होने चाहिए, क्योंकि रैंकिंग में बहुत हेल्प करता है हमें ये। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो रैंक होने में हमें दिक्कत होगी हमारे ब्लॉग को, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डालना कैसे है। सिंपली आप, मैं आपको यहाँ से कॉपी करके डाल रहा हूँ, आपको मैं इसका लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इस कोडिंग का, तो आप अपना वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर मेरे को डालना है अपना कीवर्ड। जैसे अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे टाइटल, टाइटल तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, मेन डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड में आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, जो टाइटल में भी शो हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं इसको में भी ये डाल देता हूँ ब्लॉग, ठीक है। 165 करेक्टर्स में आपका कैसा आना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका फोन मेन वेबसाइट का कीवर्ड कीवर्ड है, कुछ भी कीवर्ड लगा लीजिए आप, जैसे लेटेस्ट फूड ब्लॉग ही है मान लीजिए, तो मैं कीवर्ड भी, वो जो कीवर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए, ताकि ये SEO में हमारी बहुत हेल्प करता है रैंक करने में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इन, ये थोड़ा ना अच्छा सा डालिएगा क्योंकि ये दिखता है लोगों को। ब्लॉक्स एंड रेसिपी एंड आगे आप अपने आप डाल लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कीवर्ड हमें डालने पड़ते हैं। कीवर्ड हमें कैसे डालने हैं मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे अब आपका फूड के ऊपर है, आप उसमें फूड में क्या क्या डाल रहे हैं, जैसे फेमस फूड्स डाल रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में कौन से फूड्स हैं, रेसिपीज़ हैं एंड वो, तो हम इसको डालेंगे कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे डालेंगे। अब आपको डालना क्या है, सिंपली डाल देना है 4-5 को आपको कॉमन लेके सिंपली डाल देना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको फेमस फूड्स एंड रेसिपीज लेटेस्ट ब्लॉग्स। देखिए फूड्स आ गया तो आपको लेटेस्ट और ब्लॉग के बीच में फूड डालने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार ही बहुत है, क्योंकि कीवर्ड्स हमें 65 करेक्टर्स ही मिले हैं, तो हमें उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें डालना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा 65 करेक्टर। अब ये क्या है, इंडेक्स एंड फॉलोइंग फॉलो, तो ये इंडेक्स एंड फॉलो का मतलब ये है कि रोबोट को हम एक वो कमांड दे रहे हैं कि हमें वो इंडेक्स कर ले हमारी वेबसाइट को एंड फॉलो करे उसे। रीविजिट आफ्टर 2 डेज, इसका मतलब ये है कि 2 दिन बाद हम उससे वापस बुला रहे हैं कि 2 दिन बाद हमारी वेबसाइट पे दोबारा आ जाओ। अब ये लैंग्वेज का मतलब है कि हमारी जो वेबसाइट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है, देखिए ENG। अगर आपकी तमिल में है तो तमिल का कोड डाल दीजिएगा आप नेट से निकाल के वैसे ही। जैसे और जियो लोकेशन जहाँ पर हमें टारगेट करना है वो हमें यहाँ तीन ये डाल देना है। हम इधर 3 बार से ज़्यादा, 3 कंट्री से ज़्यादा नहीं डाल सकते। अगर आपको
फुल सारी जितनी भी कंट्री है उसमें रैंक करना है, तो आप इसको डालिए ही मत, जहाँ भी रैंक होगा वो मतलब डालिए ही मत इसको फिर, वरना इसी स्पेसिफिक कंट्री में रैंक होगा। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ना यहाँ पे जाना है, देखिए सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए सर्च प्रेफरेंस में जाना है आपने, उसके बाद ये एडिट करके आपने नो किया होगा, इसको यस कर देना एंड सिंपली सेव। इससे होगा क्या, ये जो पोस्ट है, जैसे मैं कोई भी पोस्ट करता हूँ, ये मैंने पोस्ट कर रखी है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पोस्ट खुल गई हमारी, ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं सर्च में। टाइटल आपको ऐसे करके डालना है, ये जो टाइटल है ना ये आपके आर्टिकल का टाइटल हो जाता है, मतलब जब हम खोलते हैं तो ये दिखता है हमें ये ऊपर वाला, बट हमें यहाँ पे टाइटल डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने डाल रखा है लिस्ट ऑफ टॉप 10, ये हमारा यहाँ शो होगा, जैसे मैं कुछ भी दे देता हूँ, मुंबई लिख दिया हमारे, तो जो ये वाला टाइटल है ना, जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला शो होगा यहाँ पे ऐसे। डिस्क्रिप्शन हमारा इसमें ये वैसे ही सेम हमें डिस्क्रिप्शन डालना है, जैसे मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, एंड ये देखिए डिस्क्रिप्शन में वही मैंने पूरा लिखा हुआ है, इज़ द लिस्ट ऑफ फेमस फूड इन जर्मनी। एक चीज़ देखिए मैंने क्या कर रखी है इसमें, जो मेरा मेन कीवर्ड है फेमस फूड इन जर्मनी, मैं इस पे रैंक करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर भी है टाइटल में, ठीक है। ये देखिए इसमें भी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड कीवर्ड भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो कीवर्ड में भी मैंने डाल रखा हो मोस्ट फेमस फूड लिस्ट कल्चर रेसिपीज ड्रिंक्स ट्रेडिशन एंड मेन डिशेज। इन जर्मनी, जर्मनी नहीं डाल रखा था मैंने, तो एंड इन जर्मनी, तो ये हो गया फेमस फूड इन जर्मनी आ गया, देखो पूरा आ गया। तो डन करके सेव। अगर आपको लोकेशन टारगेट करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड सीधा अपडेट, अगर वो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके ऑन नहीं करेंगे उसको, यस नहीं करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन शो नहीं होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है हमें करने के लिए, वरना आपके टाइटल में कुछ भी शो हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल आपका कुछ भी शो हो रहा होगा, एंड वो चीज़ सही नहीं है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आपने फाइव आइकन लगाना कैसे है। ये वाला आइकन, ये देखिए जो ऊपर दिखता है ना, ये जी ये बी, अब इसको कैसे लगाना है, ये देखिए इधर जाइए, ये फाइव आइकन में एडिट करके अपना सिंपली चूज फाइल करके सेव कर दीजिए, आपका फैव आइकन लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।